नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपा और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे गिरवच का पत्ते का सब्जी कैसे बनता है। इसे हम अरबी भी कहते हैं। तो हमने यहाँ लिया है 5 से 6 गिरवच का पत्ता। इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसे हम अच्छी तरह से काट लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है, आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं गिरवच के पत्ते का सब्जी कैसे बनता है। दोस्तों, हमने अरबी को, गिरवच के पत्ते को कई जगह से अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो हम इसे अरबी भी कह सकते हैं, गिरवच का पत्ता भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस शेप में मैंने गिरवच के पत्ते को काट लिया है। तो हम इसमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या ऐड होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें क्या ऐड होंगे, और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, ग्रेवी के मसाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ सरसों 4 चम्मच, यहाँ है काली मिर्च, यह है जीरा, यह है लहसुन की कलियाँ 1, और यह 4 से 5 मिर्च। ये मिर्च तीखी नहीं है। इन सारे मसालों को हम पीस लेंगे, और इसमें हम पीसेंगे एक टमाटर कटा हुआ। टमाटर से जो है अरबी की सब्जी का वो टेस्ट बढ़ जाता है। तो मिक्सी में हम इन सारे मसालों को पीस लेंगे, और आपको दिखाते हैं कि अरबी का सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम फिश की तरह लगता है। आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमने इस मसाले को पीस लिया है अच्छी तरह से, और यही मसाले हम अरबी का जो डो है उसमें थोड़ा सा डालेंगे, 1 चम्मच। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अरबी की सब्जी की तैयारी करने। दोस्तों, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। 1/2 चम्मच से कम डालेंगे हल्दी कलर के लिए, और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से चाल लिया है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी बेसन। दोस्तों, इसमें हम डालेंगे चावल के आटे को। चावल के आटे इसमें डालने से ये होता है कि जो हमारा गिरवच का पत्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और ये जो रस में है ग्रेवी में टूटते नहीं हैं, क्योंकि ये पत्ते हैं, बेसन है, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे चावल, ताकि हमारी ग्रेवी और अरबी की सब्ज़ी बहुत अच्छे बने। तो हम इसमें ऐड करेंगे चावल के आटे। दोस्तों, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च टेस्ट बढ़ाने के लिए, और इसमें लास्ट में है जो हम पीसा हुआ जो मसाला है उसी में से हम इसमें 1 चम्मच मसाले को डाल देंगे। दोस्तों, इसमें हम डालेंगे सरसों जिसे हम कहते हैं, काली मिर्च, जीरा, लहसुन, अदरक, हर चीज़ का ये पेस्ट है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे इस मसाले को, और इसे हम अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, एक अच्छा डो तैयार करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ लिया है 1/2 कप पानी, लेकिन 1/2 कप पानी नहीं लगेगा, हम थोड़ा थोड़ा करके इसका डो तैयार करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ लिया है अचार, और अचार के मसाले थोड़े से हैं। अरबी जो है वो थोड़े से मुंह को काटते हैं, खुजली जैसे होते हैं, तो इसमें हम डाल देंगे इस अचार को, तो जो मुंह काटते हैं वो नहीं काटेंगे। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, इसको हम कूट लेंगे अच्छी तरह से, तब इसे हमें हम ऐड। देखिए दोस्तों, मैंने अचार को कूट लिया है अच्छी तरह से, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अचार को, अरबी का डो तैयार करेंगे डाल के, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। देखिए दोस्तों, इसमें हम अब डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, ज़्यादा नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े करके, और इसे हाथ से ही डो तैयार करेंगे। ऐसे ही मिक्स करना है पानी डाल के, अब इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हमारा। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमारे जो अरबी के डो हैं वो तैयार होंगे, और इसे हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसी तरह से डो बनाने हैं, ऐसे ही हम सेप बना लेंगे, अरबी की सब्जी का सेप है। तो इसे हम पानी में उबालेंगे 10 मिनट तक। हमने कुकर में पानी चढ़ा दिया है, तो इसे हम इसमें पेपर लपेटेंगे, धागे से बांध देंगे, ताकि ये पानी में घुले ना। देखिए दोस्तों, मैंने इसे कागज़ में ले लिया है, और इसे हम अच्छी तरह से ऐसे मोड़ लेंगे, ताकि हमारा ये डो है वो पानी में पिघले ना, और इसे हम धागे से बांध देंगे, कुछ इस तरह से धागे में इसे लपेट देंगे। दोस्तों, हम ऐसे ही गिरवच के पत्ते के डो को लपेट लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये गिरवच का पत्ता घुले ना। ऐसे हम तीनों को लपेट लेंगे, और इसे कुकर में हमने पानी बैठा दिया है, इसे 5 से 10 मिनट तक हम उबाल लेंगे। मैंने कुकर में इसे डाल दिया है, और हम इन्हें 10 मिनट तक पका लेंगे, उबाल लेंगे, और उसके बाद हम अरबी की सब्जी बनाने आपको बताते हैं। तो चलिए हम इसे 10 मिनट उबाल लें, ढक्कन से मैंने ढक दिया है 10 मिनट तक। दोस्तों, हमने यहाँ लिया है पेन, तब तक हमारा जो अरबी का डो है वो उबल रहा है, तब तक हम उसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिया है पेन, इसमें हम डालेंगे तेल, सरसों का तेल। अरबी की सब्जी है गिरवच की सब्जी, वो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। और इसमें हम डालेंगे मेथी के कुछ दाने, और जब ये चटकने लगे तो इसमें हम पीसा हुआ जो मसाला था उसको इसमें डालेंगे।
दोस्तों हमने जो मसाले पीसे थे तो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारे मेथी जो है वो ब्राउन हो चुके हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। दोस्तों हमने मसाले को पैन में डाल दिया, हमारे मसाले पक रहे हैं। इसमें हम डालेंगे धनिया। सरसों में अगर मसाले में धनिया पाउडर ना पड़े तो स्वाद थोड़ा अलग होता है, तो हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। हमने इसमें ऐड किया 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे हल्दी। दोस्तों इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी कलर के लिए। और इसे हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये बहुत ही मछली जैसा सब्जी बनने वाला है। सरसों और धनिया पत्ते और जो लहसुन है वो अच्छा टेस्ट देते हैं, तो इन्हें हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। मसाले के स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी मैंने यहाँ कम नमक का यूज़ किया है। जब मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी तो उसमें मैं ऐड करूँगी और थोड़ा नमक, और इसे हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे पानी। हमने यहाँ 1 गिलास पानी लिया है, 1 जग, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो हम इसे दूसरे बर्तन में डाल दें क्योंकि हमें ग्रेवी तैयार करनी है, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगेंगे। अभी की सब्ज़ी में ग्रेवी ज़रूरी होता है, तभी हमारे सब्ज़ी जो है अच्छे लगते हैं। दोस्तों मैंने इसमें 1 कप डाला है पानी, और इसमें हम डालेंगे अब नमक स्वाद अनुसार, और इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे। उसके बाद हम अरबी बनाने चलते हैं, और इन्हें हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। दोस्तों देखिए हमने इसे पानी में अच्छी तरह से उबाल लिया है 10 मिनट तक, और इसके सारे कागज़ को निकाल देंगे, और ये जो धागे हैं धागे को हम धीरे धीरे कैंची की सहायता से काट देंगे। देखिए दोस्तों हम इसे इस तरह से चाकू की सहायता से काट लेंगे, मीडियम साइज के कुछ इस तरह से काटने हैं। कुछ इसी तरह से हम सारे अरबी के डो को काट लेंगे, कुछ इस तरह से शेप देने हैं गोल गोल, कुछ इस तरह से ऐसे ही हम सारे काट। देखिए दोस्तों ऐसे करके मैंने सारे अरबी के डो को काट लिया है, और इसे हम तलने चलते हैं। दोस्तों इसमें हम डालेंगे मेथी के दाने। जब ये चटकने लगे तो हम ये अरबी के डो को डाल देंगे। हम अरबी के डो को इसमें हम तलेंगे। अब सारे डो को अच्छी तरह से हम इसमें डाल देंगे, और इसे हम फ्राई कर लेंगे सेलो फ्राई। देखिए दोस्तों हमने इसमें डाल दिया है अरबी को, और इसे हम उलटते पलटते रहेंगे, और इसे हम ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन से होता है क्या कि इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों मैंने अरबी को इसमें डाल दिया है, और इसे चम्मच की सहायता से हम इसे उलट देंगे और ब्राउन करेंगे इसको। ब्राउन करने से इसका टेस्ट बढ़ता है, और बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं अरबी की सब्ज़ी। आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए इसके कलर भी चेंज होने लगे, थोड़ा लाल लाल। देखिए दोस्तों हमारा जो अरबी का डो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, और इसे हम जो ग्रेवी तैयार किए हैं उसमें हम डाल देंगे। देखिए दोस्तों ये हमारे जो ग्रेवी है अरबी के वो उबल चुके हैं, और इसमें हम डाल देंगे अरबी का डो जो अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों इस हमारा जो रस है वो खोल चुका है ग्रेवी, और इसमें हम एक एक करके इसको धीरे से डाल देंगे सारे। देखिए दोस्तों इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे, और इसे 5 मिनट उबाल लेंगे ताकि ग्रेवी में अरबी का जो डो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये मछली जैसा सब्जी लगता है, अभी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे 5 मिनट हम ढक देते हैं, ज़्यादा नहीं इसे उबालेंगे, नहीं तो अरबी जो है टूट सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अरबी का जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो चुका है, एकदम फिश की तरह बना है, और टेस्टी भी फिश की तरह लगता है। आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और इस एंगल से आप ज़रूर बनाइए। आप एक बार बनाकर देखिए, और चावल चपाती के साथ ज़रूर खाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ आप अरबी गिरवाज की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिए।